श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग दो। ता पाछे एक समय अन्नकूट की भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी की पहले ही भई हती। सो श्री गुसाई जी ने बहुत ही प्रसन्न होई के अपने श्रीहस्त सो वैष्णव के पास से पहले एक रुपया लियो हतो। तब लक्ष्मीदास दोषी ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराजाधिराज, यह बात तो आछी ना ही करी है। तब श्री गुसाई जी ने लक्ष्मीदास सो पूछो, जो कैसे आछी ना ही करी है। तब लक्ष्मीदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज हाथ सो नाही लीजे। तब श्री गुसाई जी चुप वे रहे। ता पाछे केतेक दिन पाछे या बात के ऊपर श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। तब लक्ष्मीदास ने श्री गुसाई जी से कही हो, जो महाराज, आप तो बड़े हो, ईश्वर हो, आप तो सर्वदा करत ही हो। जो उनको तो ऐसो ही स्वभाव ही है, जैसे चंद्रमा 18 बार वनस्पति को अपने अमृत करी के सींचत है, और इतनो ना ही जानत है जो मैं इनको जीवावत हूँ। सो काहे ते, जो इनको सहज स्वभाव ही है, परी कहा कौन सो बूझिए, जो उहां थोरो सो रहे सो आश्चर्य है। भाव प्रकाश, या को अभिप्राय यह है, जो श्री गुसाई जी आप तो ईश्वर है, आपको द्रव्य की कछु न्यूनता नाही है, सदा सर्वदा अन्नकूट आदि सब करत ही है, परी जीवों के ऊपर कृपा करी वे को आपको सहज स्वभाव है। ताते श्री गुसाई जी आप वैष्णव वंशो श्री गोवर्धन नाथ जी के अन्नकूट की भेंट अपने श्रीहस्त सो लिए, या प्रकार जीवों के ऊपर अति करुणा करी, परी कहा कौन सो बूझिए। ताको तात्पर्य यह, जो कौन के मन में कहा है सो कैसे जानी परे। या में यह कहो, जो सबको या भाव को समझत नाही, ताते कितने तो यो आश्चर्य करत है, जो श्री गोवर्धन नाथ जी की यहाँ द्रव्य की न्यूनता है। तासो श्री गुसाई जी आप श्री हस्तों से यह भेंट लेते हैं, सो जो को या प्रकार जानत है तिनको बिगार होत है। या भाव सो लक्ष्मीदास श्री गुसाई जी सो कहे, जो यह बात आछी नाही करी है। सो या बात को समझी श्री गुसाई जी आप लक्ष्मीदास पर प्रसन्न भये, सो यह बात ऐसी है। सो यह लक्ष्मीदास की बात सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत ही प्रसन्न भये और कहे, जो लक्ष्मीदास बड़े ही कृपा पात्र भगवदीय है, जिनको ऐसो स्वरूप को ज्ञान है। तापाचे श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। सो लक्ष्मीदास श्री गुसाई जी के संग ही हते। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के बहुत ही प्रसन्न भये। तापाचे श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी को रसोई करी के भोग समर्प्यो। भोग सराई श्री गुसाई जी आप भोजन किए और लक्ष्मीदास हु महाप्रसाद लिए। ता पाछे कितने एक दिन लो श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी में रहे और श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी वहाँ ते विजय किए। सो गुजरात में लक्ष्मीदास के घर पधारी, रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। भोग सराई आप भोजन किए और सब ब्रजवासी टहलवान हु महाप्रसाद लियो। सो रात्रि को वहाँ ही रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल को पधारे। तब लक्ष्मीदास ने श्री गुसाई जी को बहुत ही भेंट करी, श्री गोवर्धन नाथ जी को भेंट पठाई और थोड़ी सी दूरी आप पहुंचावन आए। पाछे लक्ष्मीदास श्री गुसाई जी को विदा करी के अपने घर आए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे और लक्ष्मीदास अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे। पाछे लक्ष्मीदास लौकिक व्यवहार सब छोड़े। सो ऐसे करत काल व्यतीत करी दियो। सो उनको ऐसो सरल स्वभाव हो तो कहाँ ता ही कहिए, अहर्निश भगवत वार्ता में ही जन्म व्यतीत कियो, परंतु कछु और वार्ता में घरी पल व्रथा नहीं गवायो। वैष्णव को आवतो तासो बहुत ही स्नेह शिष्टाचार राखते, वैष्णव को भगवत स्वरूप करी के जानते, भगवदी आवे तीन सो सामे जाई के मिलते, भगवत वार्ता करते, जो पूछते सो कहते, अहर्निश वे भगवत वार्ता में मन राखते, अन्य वार्ता में समझते ही नाही। सो वे लक्ष्मीदास श्री गुसाई जी के इसे कृपा पात्र भगवदीय हते, जिनके ऊपर श्री गुसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते, ताते उनकी वार्ता को पार नाही, सो कहता ही कहिए।
अब वार्ता का सारांश हिंदी में। फिर एक समय श्री गोवर्धन नाथ जी के अन्नकूट की भेंट। अन्नकूट के पहले ही श्री गोसाई जी ने अपने श्री हस्त में एक वैष्णव से 1 रुपये की भेंट ली। तब लक्ष्मीदास दोषी ने श्री गोसाई जी को कहा कि महाराज यह सही नहीं है। तब श्री गोसाई जी ने लक्ष्मीदास से कहा कि कैसे सही नहीं है। तब लक्ष्मीदास ने विनती करी कि महाराज हाथ में नहीं लेना चाहिए। तब श्री गोसाई जी सुनकर चुप रहे। फिर कुछ दिन बाद श्री गोसाई जी इस बात पर बहुत ही प्रसन्न हुए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गोसाई जी आप तो ईश्वर हैं, आपको द्रव्य की कमी नहीं है, आप सदैव अन्नकूट करते ही हैं, पर जीवों के ऊपर कृपा करना आपका सहज स्वभाव है। इसलिए श्री गोसाई जी ने वैष्णव से भेंट अपने श्रीहस्त में ली। परंतु कौन सा जीव किस मन से दे रहा है ये कैसे जाने? क्यों? क्यों बहुत से जीव ये बात समझते नहीं है, इसलिए आश्चर्य करते हैं कि श्री गोवर्धन नाथ जी के यहाँ द्रव्य की कमी है तो श्री गोसाई जी भेंट अपने श्रीहस्त में ले रहे हैं। तो जो कोई इस प्रकार समझता है उसका बिगाड़ होता है। इसलिए इस भाव से लक्ष्मीदास ने श्री गोसाई जी को कहा कि ये सही नहीं है। इसलिए यह बात सुनकर श्री गोसाई जी आप प्रसन्न हुए। तो लक्ष्मीदास की बात सुनकर श्री गोसाई जी आपने प्रसन्न होकर कहा कि लक्ष्मीदास बड़े ही कृपा पात्र भगवदीय है जिनको ऐसा स्वरूप ज्ञान है। फिर श्री गोसाई जी आप श्री द्वारिका जी को पधारे तो लक्ष्मीदास आपके संग ही थे। वहाँ लक्ष्मीदास ने श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए। फिर वहाँ श्री गोसाई जी कुछ दिन रुक कर फिर लक्ष्मीदास के घर पधारे। वहाँ श्री ठाकुर जी को भोग धरा और समय सर भोग सरा के आपने भोजन किया और सब ब्रजवासी जो थे उन सब ने भी महाप्रसाद लिया। फिर रात्रि में वहीं रुककर श्री गोसाई जी श्री गोकुल पधारे। फिर लक्ष्मीदास ने श्री गोसाई जी को बहुत भेंट धरी और श्री गोवर्धन नाथ जी की भेंट दी। फिर लक्ष्मीदास अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करते और लौकिक व्यवहार सब छोड़ दिया और अहर्निश भगवत वार्ता करते। कोई वैष्णव उनके यहाँ आता तो बहुत ही स्नेह से रखते, वैष्णव को भगवत स्वरूप करके जानते, अहर्निश अपना मन भगवत वार्ता में रखते। तो वे लक्ष्मीदास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे जिनके ऊपर श्री गोसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभ मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।